नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर संजीव महेश्वरी की गोली मारकर हत्या की गई है। वकील की ड्रेस पहनकर हमलावर आया था, मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव जीवा। संजीव जीवा को पेशी पर लाया गया था। गोली लगने से एक बच्चा भी घायल हुआ है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, गैंगस्टर संजीव महेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचा था, मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है संजीव जीवा। पेशी पर उसे लाया गया था, जहां पर वकील की ड्रेस में हमलावर आए और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। आप देखते हैं किस तरह से यहाँ पर दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है, हड़कंप मच गया है। पेशी के लिए इसे लाया गया था। इसी दौरान वकील की ड्रेस पहनकर यहाँ पर जो हमलावर है वो मौके पर पहुंचा और एक के बाद एक कई राउंड फायर किया है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक जो बच्चा था वहां पर वो भी गोली लगने से घायल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नदीम खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नदीम, बड़ा मामला है, मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता था संजीव जीवा, लेकिन गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ा ये राजधानी लखनऊ में बड़ी घटना हुई है। कोर्ट में पेशी के दौरान बहस चल रही थी, पेशी के दौरान जज भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन हमलावर जो था वो वकील के बेस में आया था। वकील के बेस में आके कम से कम आठ राउंड फायरिंग करी है, और आठ राउंड फायरिंग करने के बाद जो कुख्यात माफिया था जीवा, उसको गोली लग गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो एक बच्चा भी वहां पे था, जो जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, 14 साल की उम्र थी बच्चे की, उसको भी पीठ में गोली लगी। हालांकि उसको अभी बलरामपुर नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां उसकी हालत सही बताई जा रही है। अगर बात कर ली जाए तो जो जीवा के इनकी जो पत्नी जो हमलावर है वो किस गैंग का बताया जा रहा है, क्या किसी गैंग से ताल्लुक रखता है? बिल्कुल, जो हमलावर है, ये जो जीवा हमलावर है, ये मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। अगर अभी बात कर ले जिस तरह से जो इनकी वो पत्नी थी, उसे हत्या की आशंका भी जताई थी, सुरक्षा भी मांगी गई थी। वही अगर बात कर जिस तरह से इनकी पत्नी की सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा की गुहार लगाई थी, इनकी पत्नी को आशंका थी कि मेरे पति की हत्या हो जाएगी, लेकिन वो आज हत्या हो गई। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है, यही यही हत्या अजीत अहमद का वाला जो हमलावर था वो मीडिया के बेस में आया था, लेकिन आज जो हत्या की गई है, जो आज ये हमलावर शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव जीवा, जिसकी कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे हमले में एक मासूम बच्चा भी घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ अपना टिफिन भी शेयर किया। साथ ही पार्टी को मजबूत करने और केंद्र सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर को नोएडा के महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के आवास पर पहुंचे। इस दौरान मनोज गुप्ता ने कहा कि टिफिन मीटिंग 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा के मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नोएडा में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक का मौका मिला है। आज टिफिन पर चर्चा बैठक की शुरुआत हुई। आगे भी कार्यकर्ता समय समय पर ऐसी बैठकें आयोजित करके चर्चाएं करते रहेंगे। जेपी नड्डा आगे कहते हैं कि यह बैठक के लिए मैं भी अपना टिफिन लेकर आया था। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ अपना टिफिन शेयर किया। मिशन 2024 की तैयारी के तहत ये एक नई पहल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बालासोर रेल हादसे के हवाले केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? बघेल ने आगे कहा कि अगर ठीक से रखरखाव किया जाता तो ऐसी त्रासदी नहीं होती। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने बालासोर ट्रेन हादसे को विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना बताया।
बता दें कि ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे में अब तक 288 लोग जान गंवा चुके हैं। शुक्रवार को घटित इस हादसे में 110 घंटे बाद भी 83 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इस दुर्घटना में 1100 लोग जख्मी हुए थे, जबकि 200 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा फेल्यूर और क्या हो सकता है? यदि आपके ट्रैक वगैरह ठीक रहते, आपके मेंटेनेंस ठीक रहते, आपके ग्रुप डी ग्रुप सी के सब भर्तियां बराबर होती तो बराबर मेंटेन रहता, कुछ नए बराबर मिलती, इस पर इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। केंद्र के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। उससे पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान सभी ने एक बात दोहराई है कि वो राज्यसभा में आदेश के खिलाफ वोट करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, साथ में तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के यहां पर नजर आए। बांदा चित्रकूट सांसद आरके पटेल और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की है। प्रबुद्ध सम्मेलन में जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर के एक मैरिज हाउस में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगरा में कांग्रेसियों का अस्पताल पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मंगलवार को आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को आगरा के मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर डिप्टी सीएम ने बयान दिया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। डिप्टी सीएम को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने में जो खर्चा आएगा उसे कांग्रेस पार्टी देगी, ऐसी बयानबाजी यहां पर की गई है। गुरु टेग बहादुर सोसाइटी और जिंदगी जिंदाबाद के तत्वाधान में सितारगंज में जरूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपए में भोजन की समुचित व्यवस्था का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने फीता काटकर भोजन वैन का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सिख समाज मानवता की मिसाल है। गुरुद्वारों में प्रतिदिन निरंतर लंगर के माध्यम से कितने ही लोगों को अन्न खिलाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। इन्होंने रुद्रपुर से भोजन थाली की शुरुआत करते हुए विस्तार के रूप में सितारगंज में भी 5 रुपए में भोजन थाली की शुरुआत की है। संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। जिंदगी जिंदाबाद के अध्यक्ष करमजीत सिंह चन्नार समिति के माध्यम से किए गए समाज कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि समिति जरूरतमंद लोगों को भोजन के साथ साथ गरीबों को निःशुल्क दवाइयां, पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक कार्यों से समाज में कई कार्य कर रही है। दर्जा राज्य मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख समाज हमेशा सेवा में समर्पण भाव से काम करता है। कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक देवेंद्र सिंह ने सभी का आभार जताया और भोजन वैन समाज को समर्पित की। तो मैं पुनः बोला, भारत की एक खूबी है, बाकी सभी देशों में आपको रुतबा दौलत शोहरत मिलेगा, लेकिन भारत एक ही देश है जहाँ पर सेवा का मनोभाव है, निस्वार्थ सेवा। यहाँ हर धर्म, हिंदू, सिख, सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसका एक दुरुस्त नमूना आपको मिलेगा। गुरु तेज बहादुर NRI वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी है। 30 साल अमरीका रहने के बाद भी यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा जिंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन है, जिसके साथ मैं Day 1 से जुड़ा हूँ। ऋषिकेश एम्स के पास न्यूसाई मेडिकल स्टोर का संचालक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संचालक ने एक तो मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं रखा है, ऊपर से दवाइयों की ओवर रेटिंग भी कर रही है। यही नहीं, दवाइयों का स्टॉक मेंटेन भी नहीं रखा है। इसके सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद औषधीय नियंत्रण विभाग ने न्यूसाई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर शिकायत को सही पाया, जिसके बाद अधिकारी ने मेडिकल स्टोर पर तालाबंदी कर संचालक को अग्रिम आदेश तक दुकान बंद रखने के लिखित आदेश दे दिया है। बावजूद इसके न्यूसाई मेडिकल स्टोर के संचालक ने शटर बंद करके दवाइयों की बिक्री करनी शुरू कर दी। मामला फिर संज्ञान में आने पर ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती मौके पर आई। शटर बंद होने के बावजूद दवाइयों की बिक्री को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके से पुलिस को बुला लिया।
ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई है, जिससे भड़ाकर संचालक ड्रग इंस्पेक्टर के साथ बहसबाजी करता हुआ नजर आया। बता दें कि न्यू साई मेडिकल स्टोर पर अनियमितताओं का यह पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार इस प्रकार की अनियमितताओं के मामले में न्यू साई मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हो चुकी है। ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती ने एम्स चौकी में लिखित तहरीर देकर न्यू साई मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मेडिकल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती करने विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे, इसलिए त्रिवेणी घाट को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए DM सोनिका मीना त्रिवेणी घाट पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी घाट पर चल रहे सभी विकास कार्यों के बारे में अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया। मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। DM सोनिका मीना ने बताया कि त्रिवेणी घाट पर विदेशी डेलीगेट्स के लिए आयोजित होने वाली मां गंगा की भव्य आरती के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। त्रिवेणी घाट पर साफ सफाई के साथ बेहतर रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। अधिकारियों को किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। हरिद्वार में पार्किंग के टेंडर चहितों को देने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई मनमानी पर कार्रवाई हो सकती है। SDM ने जांच की रिपोर्ट DM को सौंप दी है, जिसके बाद DM ने पार्किंग के टेंडर दोबारा करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग ने चमगादड़ टापू पर बनाई गई स्थायी पार्किंग का टेंडर जारी किया था। टेंडर प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने टेंडर के नियमों का पालन न करते हुए औने पौने दामों में पार्किंग का ठेका दे दिया, जिसके बाद सिंचाई विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई हो सकती है। उसमें देखा भी रिपोर्ट आई है, उसको सारे पहलुओं को चेक कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो उसको दोबारा टेंडिंग कराएंगे। प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता सामने आ अभी लग रहा है कि कम धनराशि पे गई है तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कोटद्वार नगर के किशनपुर इलाके में एक महिला ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगा रही है। कोटद्वार पुलिस के अनुसार मृतका सुमा देवी, जिसने जहर खाया है, महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियाँ होने लगी। परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन महिला के बयान नहीं हो सके। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो वहां सब इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनसे मैंने पूछा तो उनका ये कहना है कि कोई 34 साल की लेडी हैं और पॉइजन इनटेक करके डेथ प्रथम दृष्टया लग रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और शायद 18-20 साल शादी को हो गए थे, तो बाकी परिजन मायका पति ससुराल पति दोनों वहाँ पर हैं। आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है, जैसे फैक्ट आएंगे उसके साथ जाएंगे। प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज में रस्सी के सहारे फंदे पर लटका युवक मौके पर दारागंज पुलिस पहुंच गई है। वहीं पुलिस अजीबोगरीब घटना से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। युवक की इस घटना से तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि युवक की पहचान नहीं हो सकी है। सुबह 10 बजे राहगीरों ने देखा तो मौके पर पहुंची पुलिस युवक गुलाबी रंग की शर्ट और हरे रंग की जींस पहने हुआ था। हत्या है या आत्महत्या, इसकी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अवैध वसूली ब्लैकमेलिंग को लेकर SP राजेश द्विवेदी से मिलकर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है और सुरक्षा दिलाने की भी मांग करते हुए कहा कि एक सुरक्षित वातावरण में वो लोग मरीजों की सेवा कर सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा SP को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा IMA के चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है। ये लोग खुद को पत्रकार बनाकर धनराशि की मांग करते हैं और जो नहीं देता उसको झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हैं। साथ ही समाज में उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। बालाजी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य का डायग्नोसिस सेंटर के संचालक डॉक्टर CP कटियार के साथ इन अपराधियों ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में कोतवाली शहर में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें दो लोग जेल भी जा चुके हैं, बाकी फरार हैं। बहुत से चिकित्सक और नर्सिंग होम जिसमें
डॉक्टर विनीत वर्मा सर्जन भी हैं, इनके शिकार हो चुके हैं। अब ऐसे में आईएमए के चिकित्सकों ने मामले में एसपी को धन्यवाद देते हुए अन्य की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी कुछ दिनों पहले जनपद में कोतवाली शहर में एक नर्सिंग होम के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कुछ लोगों के विरुद्ध वसूली के संबंध, अवैध वसूली के संबंध में। इसमें दो लोग गिरफ्तार करके जेल में भेजे गए हैं। आज आईएमए के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस एक्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया गया, साथ ही साथ कुछ अन्य अभियुक्त भी नामित हैं उनके भी। हम लोग आज कप्तान साहब से ये जो तथा कथित पत्रकार हैं और हमारे डॉक्टर सीपी कटियार जो बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं और हमेशा सबकी मदद करते रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे थे और उनसे कुछ डिमांड कर रहे थे, हालांकि वो पत्रकार हैं भी नहीं। और इसी संबंध में हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। कप्तान साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और कहा है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी के साथ साथ जिले के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो रहा है, जहां एक्सेलेटर, लिफ्ट, फूड कोर्ट, विकलांग के लिए सारी सुविधाएं होंगी। अभी रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है, आगे निर्माण चल रहा है, जल्द ही 3 और प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। साथ ही पूरी अयोध्या सजाने, संवारने और चमकाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जो पूरे विश्व में अयोध्या चमकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने धार्मिक स्थलों का विकास किया है वो अपने आप में एक बड़ा काम है। अयोध्या निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देखने की बात उन्होंने कही है। आगरा एसओजी सबलान सागरा और थाना सैया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। स्पेशल 26 फिल्म की तरह फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लोगों को घरों में और कार्यालय में फर्जी रेड मारकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, फर्जी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। सैया चौराहे फ्लाईओवर के पास से सभी को पकड़ा गया है। रूप से एक फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनके ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से कुछ आधार कार्ड, फर्जी इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का आइडेंटिटी कार्ड और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इनकी मोडस ऑपरेंडी जो पूछताछ में सामने आया है वो ऐसी थी कि ये 2000 रुपए की नोट को एक्सचेंज करने के प्रिटेक्स्ट पे। हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के बाद हंगामा, बाजार बंद कराया गया है, थाने का घेराव किया गया। छेड़छाड़ के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुए। पूजा करने गई युवती से छेड़छाड़ की गई थी। विशेष समुदाय के युवक पर आरोप है छेड़छाड़ और यहां पर अभद्रता का मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना लोहामंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लोहामंडी थाने क्षेत्र में आलमगंज चौकी के सामने एक हिंदू समाज का परिवार रहता है पूरा, जिसमें कि मुस्लिम समाज का प्लांट का काम है वहाँ पर, और वो प्लांट में 10-15-20 लड़के रहते हैं जो हिंदू महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं। 3 दिन से ये शिकायत आ रही थी, आज इसने हथारी हद पार कर दी है। इन्होंने उस लड़की के संग बदतमीजी की है और बदतमीजी के संग से उसके संग हाथापाई की है, एक लड़की को मारा है जिसकी उम्र 18 साल है। जो घटना अन्य प्रदेशों में हो रही है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, ऐसी घटनाओं की शुरुआत यहाँ इन लोगों की मनसाएं करने की, माहौल खराब करने की, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे हिंदू समाज की लड़की जो मंदिर से लौट रही थी उसके साथ लड़कों ने बदतमीजी करी है, हाथापाई करी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, हर स्तर पर लड़ी जाएगी। निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली है। अपनी विभिन्न मांगों और धन्यवाद पत्रों को लेकर कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली गई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद के जन्मदिन और करसवाल आंदोलन स्मृति दिवस के रूप में आयोजित किया गया कार्यक्रम। खोरी मोड़ से कलेक्ट्रेट मीनका तक निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की है। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मछुआ समाज के हित में काम कर रही है। पीएम, सीएम और गृह मंत्री को संबोधित विभिन्न मांग और धन्यवाद का ज्ञापन सौंपा है। जिले के भिन्न गांव मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचा ये ज्ञापन।
जलौन में लेखपाल पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। जी हां, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। समाधान दिवस पर आई अवैध मिट्टी खनन की शिकायत की जांच करने पहुंचे लेखपाल पर माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। लेखपाल ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। जालौन नायब तहसीलदार ने कोतवाली पहुंचकर माफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुठौता बुजुर्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद में एक बार फिर से बुलडोजर की धड़धड़ाहट पहले से सुनाई नहीं थी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार ये धड़धड़ाहट काफी दिनों तक की शांति के बाद सुनाई दी है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। जी हां, ताजपुर में अक्सर बुलडोजर की कार्रवाई होती है और इस बार एमडीए के अधिकारियों का साफ कहना है कि बगैर मानचित्र स्वीकृति कराई गई कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। अब कोई भी निर्माण बगैर नक्शा पास कराए नहीं किया जाएगा। एसपी जालौन के सख्त तेवर देखने के लिए मिले हैं। रेप पीड़िता के पिता की आत्महत्या करने की घटना से एसपी इरज रजा विफर गए हैं। वायरलेस पर जनपद के सभी कोतवाली प्रभारी थाना अध्यक्षों को चेतावनी दी है। फरियादियों की अगर नहीं सुनी तो नौकरी करना सिखा दूंगा। आपको बता दें कि ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आगरा में हाईटेंशन तार से बड़ा हादसा हो गया। दो मासूम बच्चों की जमकर मौत हो गई है। दर्दनाक घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने। हाईटेंशन लाइन से झोपड़ी में भीषण आग लगी थी। 5 साल और 3 साल के मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगी बहनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।